ईद उल फितर का चांद नजर आ गया। जनूबी पंजाब के वासियों को रोही की जानिब से ईद उल फितर मुबारक। कल रोज हफ्ता ईद उल फितर मनाई जाएगी। बाजारों में भागदौड़। ईद उल फितर में चंद घंटे बाकी। खवातीन और बच्चियों ने सजा ली हाथों पर रंग बिरंगी मेहंदी। किसी ने बनवाया इंडियन डिजाइन और किसी ने अरेबिक स्टाइल से हाथ सजाए। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन और बच्चियों का रश बढ़ गया। लड़कियों से कम नहीं, ईद करीब आते ही लड़के भी पहुंच गए हेयर सैलून पर। कोई चेहरे पर स्क्रब लगवा रहा तो कोई करवा रहा है हेड मसाज। ईद पर रिश्तेदारों और दोस्तों को केक का तोहफा दिया जाता है। रहीम यरहान में केक की 40 इकसाम तैयार। दूसरी जानब शहरियों को मिठाई की दुकानों पर रश। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू की डिमांड में इजाफा। बच्चे रंग बिरंगी मिठाई खाने के लिए बेचैन। चंद घंटे बाकी। शहरी नए नोटों के असूल के लिए बैंकों के बाहर मौजूद। टाउट माफिया की चांदी। शहरी जायद कीमत पर नए नोट खरीदने पर मजबूर। बच्चों को नए नोट लेने के लिए ईद का शिद्दत से इंतजार। लग गए दूसरी जानब परदेसी ट्रांसपोर्टर्स के हाथों लुटने लगे। किरायों में अदसूद इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ रहीम यारहान में क्रैक डाउन। जायद किराया वसूल करने वालों को जुर्माने आए।